हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, मैंने कहा था ना आपसे कि मिलाने वाला हूँ आपको अरुणाचल के किसी लड़के से, तो आज मैं हूँ सामने, उसी से पूछते हैं। पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम तलार पोदर है। हाँ, और आप कहाँ से आते हो अरुणाचल में? मैं अरुणाचल प्रदेश सी उम्मीद शिक्षक हूँ अभी। अच्छा, और अभी यहाँ पर आप ब्लाइंड फुटबॉल के कैंप में हो, है ना, इंडियन कोचिंग कैंप में? यस सर। तो ब्लाइंड फुटबॉल के अलावा और क्या करते हो आप? ब्लाइंड फुटबॉल के अलावा मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। कहाँ पर? बेंगलोर में सर। बेंगलोर में। और यस सर। आप, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, आप बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हैं यानी कि ब्लाइंड हैं या फिर बाद में हुए? बाद में हुए सर। कितने साल के बाद? 2009 years। 9 years के बाद में। यस। और अभी आपकी एज क्या है? अभी 20 सर। अभी 20 है। यस सर। 9 years तक आपको दिखता था? यस सर। दोनों आंखों से? यस सर। तो 9 years में, जब आप 9 years मतलब तब आप स्कूल भी जा रहे होंगे? यस। कौन सी क्लास में थे? मैं class 2 तक गया था। अच्छा, class 2 तक, तब तक आपको दिखता था? तब तक दिखता था। तो तलार, जब आपको class 2 तक दिखता था यानी कि आप जब 9 years के थे, और उसके बाद सडनली हुआ, तो कैसा, मतलब तब क्या था, कैसा लगा, कैसा घर वालों को कैसा लगा, पहले तो ये बताओ। घर वालों को तो सर वो लोग अनएजुकेटेड थे, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कुछ इतना मालूम नहीं था, तो इसीलिए वो लोग बाद में ठीक हो जाएगा और वो लोग क्या क्या अपना लोकल का ये कर करके हॉस्पिटल जाने में लेट हो गया। उसके बाद वो लोग मालूम नहीं चला। उसको लास्ट में हॉस्पिटल गया और उसमें डॉक्टर लोग बोला कि अभी लेट हो गया, नहीं कर सकेगा ऐसे। तो अभी 9 साल, और उसके बाद में 9 साल तक आपने देखा, और उसके बाद अभी 20 साल, यानी कि 9 के बाद 11 years और ऐड हो गया ना। तो अब कैसा लगता है आपको, आज अगर आप सोचते हो तो कैसा लगता है तलाक? अभी सोचते तो सर हम लोग भी कुछ वो लोग से साहित्य बालों से कम नहीं है सर। क्या हम लोग भी कुछ कर सकते हैं? तो कंप्यूटर कर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं सर। तो अभी आप क्या क्या करते हो, मतलब ब्लाइंड फुटबॉल तो आप खेलते ही हो और बहुत अच्छा खेल रहे हो, है ना? इंडिया कैंप तक आए हो तो अच्छा ही खेल रहे हो, इंडिया के सिलेक्टेड लोगों में हो आप, जो 13 लोग हैं उनमें हो आप अभी। इसके अलावा आप और क्या करते हो, मतलब? सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और हम लोग कंप्यूटर क्लास भी लेते हैं। अच्छा, कंप्यूटर भी चलाते हो? यस सर। ओके, क्या अलग होता है वो कंप्यूटर, कैसा होता है? कंप्यूटर में हम लोग का एक टॉकबैक बोल के होता है, उसको हम लोग जो मोबाइल में टॉकबैक करके, जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं टॉकबैक, उसको हम लोग उधर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद उसको टॉकबैक ऑन करने से जो भी हम लोग दबाएगा, जिसको हम लोग चाहिए उसको दबाएगा, और जो होम को दबाएगा तो होम बताएगा आपको, विंडो दबाएगा तो विंडो ही बताएगा। ओके, तो आप बहुत मतलब अच्छे से कर सकते हो कंप्यूटर भी, है ना? यस। जो विजुअली इम्पेयर्ड है अगर वो ट्रेनिंग करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। जी सर। ओके, अगर मैं बोलूं आपसे कि आपका ड्रीम क्या है अभी, क्योंकि आप ब्लाइंड फुटबॉल भी खेल रहे हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अभी आपने बहुत घूम भी लिया, बैंगलोर में एजुकेशन कर रहे हो, है ना? तो अरुणाचल एक जगह इतना सुंदर हिली एरिया, फिर बैंगलोर पूरा हाईटेक सिटी, कोची और एक, इतना घूम रहे हो आप, और इससे पहले सर चेन्नई में भी आप नेशनल के लिए गए थे। यस सर। तो अभी कैसा लगता है जब अरुणाचल से बाहर निकल के इतना सब घूम रहे हो? अभी तो हमको बहुत अपने आप को बहुत महसूस, बहुत खुशी फील हो रहा है सर। अच्छा, अपना अरुणाचल में अगर हम लोग उधर में अगर घर में बैठता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग अरुणाचल से उधर 1 to 10 तक उधर पढ़ाई किया। अच्छा। तो वहां से ये बाहर स्टेट आया और यहाँ का लोग को मिला, और हम लोग यहाँ का क्या क्या है या क्या क्या डिफरेंस है वो सीखने मिला। और मेरा एम तो मैं सब ब्लाइंड स्टूडेंट जितना भी घर में है वो लोग को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग भी आगे बढ़े, ऐसे मत बीते। पेरेंट्स लोग को मैं कहना चाहूंगा, वो लोग को ऐसे मत बिताए और उसको मदद करे, मदद हिम्मत दे। बिल्कुल। Yes. आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहोगे अरुणाचल के, जो अरुणाचल है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि और भी वीआई कई होंगे, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पहले पता नहीं था, है ना? Yes. और भी कई लोग होंगे, आप कैसे अरुणाचल के जो वीआई और भी होंगे कई लोग, जैसे आपने कहा कि आपको भी पता नहीं था, और भी कई लोग होंगे ना अरुणाचल में? Yes, आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहोगे अरुणाचल को, क्योंकि आपने बाहर इतना कुछ देख लिया? यस सर, मैं वो लोग को एक गुड मैसेज देना चाहूंगा, सभी उधर ब्लाइंड स्टूडेंट है, कोई पेरेंट्स तो ब्लाइंड लोग कुछ नहीं कर सकेगा ऐसे बोल के वो लोग का हिम्मत भरोसा को डाउन कर देता है। तो ब्लाइंड लोग भी बहुत आगे बढ़ सकता है अगर पेरेंट्स और उसको कुछ मदद करने वाला मिलेगा तो। वो लोग को, इसलिए ब्लाइंड जितना भी स्टूडेंट है वो लोग को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग भी आगे बढ़े,
हिम्मत अपना हिम्मत को मौत हारी है, जितना अपना कुछ ड्रीम भी देखा होगा, कुछ करना चाह रहा होगा उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी नहीं छोड़ना, कोशिश करना चाहिए। और पेरेंट्स लोग वो सबको साथ में पीछे में सपोर्ट देना है सर। क्या बात है। अभी आप ब्लाइंड फुटबॉल का आपका ज्यादा साल नहीं हुआ है, अभी 1 या 2 साल हुआ है ना। yes, तो आप ब्लाइंड फुटबॉल को कितना आगे, क्या ड्रीम है ब्लाइंड फुटबॉल को लेकर, क्या ड्रीम है आपका? मैं ब्लाइंड फुटबॉल को एक बहुत मेरा फेवरेट गेम भी है सर, तो इसलिए मैं ब्लाइंड फुटबॉल को मैं अपना उसको तो कंटिन्यूसली हम करेंगे सर। अच्छा। मैं और इंडिया नेशनल इंटरनेशनल और अभी एशिया कप चलने खेलने वाला है, तो उसके लिए भी मैं पूरा जोर लगाएंगे, परफॉर्म करना चाहूँगा बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके। वो लोग को मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग को गोल मारने के लिए। बिल्कुल, हमेशा कोशिश करना चाहिए ना। यस सर। तो आपका आने वाला अभी और भी इंटरनेशनल और ये सब होना होगा, अभी बहुत कुछ होगा, तो IBFF जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है, उसका क्या रोल है आपका आपका शेप करने में? सर वो लोग का रोल है, हम लोग को जितना भी हम लोग का टैलेंट छुपा है, वो लोग हम लोग को इंडियन IBFF वो लोग हम लोग को एक मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं सर। बिल्कुल, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, वो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना सर। ओके, तलार आप अभी इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का जो कैंप लगा हुआ है, कोचिंग कैंप, उसमें हो, कोची में है ना, और एकेडमी में रहते हो आप, अलग अलग स्टेट के लड़कों से मिलते हो, प्लेयर्स जो है उनसे सबसे मिलते हो, लोगों से मिलते हो, और सुनील जे मैथ्यू जो हेड कोच है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के, उनके अंडर अभी आप ट्रेन हो रहे हो, और उनका कैसा रहता है आपका, आपके लिए कैसा रहता है, उनका व्यवहार कैसा रहता है? सुनील सर का तो बहुत अच्छा है सर, और हम लोग के लिए तो एकदम फ्रेंडली से हम लोग को टीच करते हैं सर। okay. ऐसे मतलब कोई गाली नहीं, कोई ये नहीं, एकदम हम लोग को फ्री, हम लोग बहुत अच्छा टीच करते हो। तो आपको पसंद है उनका कोचिंग स्टाइल? यस सर, बहुत कोचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है सर। क्या बात है। और अलग अलग स्टेट का प्लेयर्स लोग को मिल रहा है, और उसका एक्सपीरियंस और उसका लैंग्वेज और उसका क्या क्या उसको पूरा हम लोग एक दूसरे शेयर करने मिलता है सर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। यस सर। फुटबॉल, अगर आप ब्लाइंड फुटबॉल यहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आप एकेडमी में जाते हो वापस, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें होती है ना। तो अब अपने फ्रेंड्स के साथ में आप उनके स्टेट की बातें और आप अपने स्टेट की बातें करते हो उनसे? यस सर, करते हैं सर। तो कभी कभी बहुत कुछ एक्सचेंज करते होंगे आप लोग? यस सर। अपना कल्चर, अपना खाना? यस सर। होता है, बात होता है? होता है सर। ओके, अरुणाचल की अगर मैं बात करूं तो नेचुरली बहुत सुंदर है ना। यस सर। और पोटेंशियल भी बहुत है। यस सर। अगर देखा जाए तो बहुत सारे VI हैं वहाँ पर। यस सर। आने वाले टाइम में अगर अरुणाचल की टीम की बात करूं तो आप हो, डोमिनिक एक बहुत अच्छा कर रहा है जो, और उसके बाद अब तो वुमेन में भी आने लग गया ना यगम और ये लोग आ रहे हैं सब, तो आपको क्या लगता है आने वाला 3-4 साल में अगर डोमेस्टिक ब्लाइंड फुटबॉल की बात करूं तो अरुणाचल कहाँ देखते हो आप अरुणाचल की टीम को? सर मैं अरुणाचल, हम लोग नेक्स्ट टीम, हम लोग का ड्रीम है हम लोग नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट ये नेशनल चैंपियनशिप हम लोग हासिल करना चाहूंगा सर। क्या बात है। तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे सर। हाँ, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। यस सर, आजकल कंपटीशन बढ़ती जा रहा है और हम लोग का टीम भी बढ़ते जा रहा है सर। हाँ, अरुणाचल का बहुत लोग हो गया अब। यस सर। तो जाते जाते थलार, बहुत पहले बात तो थैंक यू आपको और ऑल द बेस्ट आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन जाते जाते मैं आपसे 2 मैसेज जरूर चाहूंगा। आप अगर अरुणाचल के लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरुणाचल के लोगों के लिए, जो अरुणाचल का जो VI नहीं है उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? अरुणाचल लैंग्वेज के लिए बोलने से? हाँ बिल्कुल। मुलुक कवांग कोपोन कवांग और कोपोमोनम में कवांग में इदुम मलुम में हिमोदम भी गे लूंगा, हिमोद लामको का सपोर्ट गे लूंगा आगे बढ़े इमोद रूंग तो का। ओके, और अगर मैं कहूँ कि जो VI लोग हैं अरुणाचल में और बाकी लोग जो VI है उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा थलार अरुणाचल के लिए? जी सर, VI स्टूडेंट हो लोग के लिए मैं सर मैं कहना चाहूँगा, मालूम में VI कॉन्फर्म उनको दूंगा, मालूम कॉन्फर्म आगे लूँगा उगू में उगूला पायो चौका, मालूम आगे भरी मत वो मालूम सपोर्ट तो का बैक साइड से। ओके, तो जाते जाते एक चीज जरूर कहूँगा कि अब जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से सबके लिए, जो कि कॉमन मैसेज होगा वो क्या होगा इंडियंस के लिए, आपका कॉमन मैसेज क्या होगा हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहूँगा जितना भी ब्लाइंड और जितना भी है और सभी को मैं कहना चाहूँगा, जितना भी घर में बैठ रहे और खेल रहे
जितना भी अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं वो सबको कभी मिस मत कीजिएगा सर। और जितना भी ब्लाइंड लोग आगे नहीं बढ़ पाए वो लोग को भी पीछे सपोर्ट कर दीजिए। क्या बात है थलार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई क्योंकि मैं अरुणाचल में पढ़ा लिखा हूँ और उसके बाद में मिचुका जैसे आपने नाम लिया तो बहुत सुंदर है मिचुका, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आने वाले टाइम में और मुलाकात आपसे होती रहेगी और इसी तरह से बातें करते रहेंगे। फिलहाल आपको ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी टूर्नामेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे तलार, मैं इस वक्त हूँ कोच्ची में और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और अभी मैं तलार से बातें कर रहा था, अरुणाचल से हैं, मिचुका से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे उन्होंने ब्लाइंड फुटबॉल शुरू किया और क्या है उनके लिए ब्लाइंड फुटबॉल। आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट कीजिए, चाहे वो थलार हो अरुणाचल से या फिर कोई भी हो कहीं से भी, जस्ट सपोर्ट देम सो दैट दे कैन ऑल्सो राइज, वो भी ऊपर आ सकें और सबके बराबर में आकर खड़े हो सकें।